5 अगस्त को गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने रोडवेज की बस की चपेट में आने से एक छात्र की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 2 छात्र घायल हो गए थे, जिसको लेकर छात्रों ने जिलाधिकारी से विश्वविद्यालय गेट के पास स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की थी, जिस पर उसी समय डीएम ने पीडब्ल्यूडी को ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत मंगलवार को पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी वहाँ पहुँचे और गेट पर ब्रेकर बनवाने का काम शुरू किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी मुरलीधर सिंह ने बताया कि उन लोगों को मांग है यहाँ स्पीड ब्रेकर के लिए, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग का निर्देश दे दिया, आजकल स्पीड ब्रेकर बन जाएगा यहाँ का और बाकी जगह हम लोग सतर्क करा रहे हैं ताकि तो दोबारा ये घटना रिपीट ना हो जाए। मुरलीधर सिंह बन रहा है, एक इधर बनेगा एक उस पार बनेगा, दो रो में हम लोग बना रहे हैं, आज बन जाएगा। नहीं, अभी उधर बनाएंगे, आज हम लोग मतलब दोनों तरफ का कंप्लीट कर देंगे, इधर भी और उधर भी बन जाएगा। अगर बारिश न हुआ, मौसम साफ रहा तो मौसम साथ देगा तो हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी गेट पर जो है दोनों साइड का कंप्लीट हो जाएगा।